लेकिन फिर वापस मुड़ करके आई हूं, आपके ना जाने का कारण जानना चाहता हूं। बेटा कारण है, अपने मुख से तैने मुझे मां नहीं कहा, इसलिए मैं पीछे हटी थी। हे राजमाता, कहिए बेटा कारण, मैं तुम्हें कैसे मां कह दूं? मेरा मन अभी विश्वास नहीं कर रहा। जब राजमाता माद्री के दो बेटे नकुल और सहदेव को भी आपने अपने सगे बेटों से ज्यादा लाड प्यार देकर के पाल पोष करके बड़ा किया और उनको ये अधिकार दिया कि वो तुम्हें मां कह सके, अगर इस कर्ण को आपने जन्म दिया होता तो आप अपने बेटे को अपनी कोख से जन्मी हुई संतान को कैसे अलग कर सकती है? इसलिए मेरा यकीन नहीं, मेरा मन ये विश्वास नहीं कर पा रहा कि तुम मेरी मां हो। बेटा कर्ण, अपनी कोख से मैंने तुझे जन्मा है, तू मेरा बेटा है और मैं तेरी माँ हूँ। अगर तुम मेरी माँ हो हाँ, तो मैं तुमसे फिर प्रमाण चाहता हूँ। ऐसी क्या बात थी कि जो तुमने इस कर्ण को ठुकरा दिया, कर्ण को नहीं अपनाया? बेटा कर्ण, मैं एक एक बात तुझे खोल के बताऊंगी कि क्या कारण था। बताइए। सुनिए मेरी बात। अच्छा हाँ, सुनिए मेरी बात। वे
तो सच्चाई बताएगी। कारण तू ये जानना चाहता है तो सुन कि जिस समय में पारी थी पर एक रोज का जिक्र महल में, एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था, वशीकरण मंत्र सेवा कर दुर्वासा से पाया था। उस मंत्र पे विश्वास कराना, वो सूरज पे अजमाया था। न मिटे ऋषि के वचन करण मने न्यू क्वारी ने जाया था। और ऐसा कर्म करण वाणी को इस जग में कौन भला कह दे, मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे कुंती ना के मां कहती। अगर रागनी अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, एक बार तालियों से मना आशीर्वाद जरूर दे दे। जोर बताया बता दिया कि बेटे जब मैं कुआरी थी तो एक रोज हमारे राज के अंदर दुर्वासा ऋषि आए, मैंने दुर्वासा ऋषि की सेवा की और सेवा से प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि ने मेरा भविष्य देखा और मेरा भविष्य देख करके मुझे एक मंत्र दिया कि बेटी तेरे नसीब में तेरी कोख से तेरे पति के माध्यम से संतान का सुख नहीं है। ये वशीकरण मंत्र है, इस वशीकरण मंत्र का जाप तुम जिसके ऊपर भी करोगी वही तुम्हें एक पुत्र वरदान के रूप में दे करके जाएगा। तो कुंती ने कुआरी अवस्था में एक रोज उस मंत्र का जाप करके उस मंत्र को अजमाने के लिए सूर्य देव की पूजा करनी थी। एक रोज उस मंत्र का जाप करते हुए उस सूर्य देव का ही नाम ले दिया। तो सूर्य देव आए और वो वरदान क्योंकि वशीकरण मंत्र के कारण बने हुए थे, पुत्रवती होने का वो वरदान लेकर के गए सूर्य देव। कुआरी थी तो पुत्र कैसे पैदा करती और पैदा करती तो कैसे रखती, इसलिए तुझे बहते दरिया में कुआरी अवस्था में जन्म देकर के छोड़ दिया। तो साथियों कर्ण विशेष झुका करके नमन करता है कि धन्य हो मेरी माँ जिसने एक बेटे से भी ज्यादा बढ़कर के अपने कुल की मान मर्यादा को समझा। भूल तो की लेकिन उस भूल की सजा इतनी बड़ी मिली कि एक बेटे को माँ ने अपने आप से अलग कर दिया। और तीसरी कली में कैसे क्या कहती हूँ है।
जबकि कर्ण खुद भी नहीं जानता था कि मैं किसी क्षत्रणी की कोख से पैदा हूं। लेकिन आज कर्ण को गुरु की ये बात याद आ गई कि मेरे गुरु ने इतने समय पहले मुझे ये बता दिया था कि मैं क्षत्रणी की कोख से पैदा हूं, कि मैं भी एक क्षत्रणी की कोख से पैदा होने के बाद भी आज तक तरह तरह के दुनिया भर की ठोकरें खाता रहा। हे राजमाता, आज आपने यहां तक की सच्चाई बताई है तो कोई बात अपने मन में छुपाना मत। मेरे जन्म से जुड़ी हुई कोई और भी बात हो तो मुझे बताइए। मैंने तुझे एक एक सच्चाई बता दी। अगर अभी तक ने अपने मुख से मुझे मां नहीं कहा तो मैं अपने प्राण आज मैं यही त्याग दूंगी। मैं भी तेरे बगैर जीना नहीं चाहती। अच्छा हाँ सुनिए।